नमस्कार, मु डॉक्टर दिव्यरंजन बेहरा, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एट मणिपाल हॉस्पिटल भुवनेश्वर। आज मुझे गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर डिस्कस करी जहाँकि हृदरोग संबंधी और तार नाम हूँ आरिथमिया। आरिथमिया माने कौन? आरिथमिया माने हूँ जदि आम हृद गति हार्ट बीटा इरेगुलर हुए, आम जानते हैं नॉर्मल जो हार्ट बीटा मिनिट को सतुरी थर हुए, डिपेंड करे बॉडी पारे कमी पारे, आम जब रात सौ से आम हार्ट रेट कमिके 60 पर मिनिट्स भी हो पाए, ताकि कम भी जापे। आज जो आम खेला खेली करूँ, दौड़ादौड़ी करूँ, किसी गोटे काम करूँ, आम कि इमोशनाली टेन्स हो जाऊ, से समय आम हार्ट रेट मतलब बढ़ी 120-130 जाए जाए, जोटा गोटे नॉर्मल वेरिएशन। किंतु जब से बहुत अबनॉर्मली हाई हो जाए बा अबनॉर्मली लो हो जाए, ताकि आम आरिथमिया कहूँ, बाटा रेगुलर गोटे रेगुलर गैप आसा, जब इरेगुलर गैप आसूँ सेटा को हम आरिथमिया कहूँ। आरिथमिया मुख्यतः दि प्रकार, गोटे ब्राडी आरिथमिया आउ गोटे टाकी आरिथमिया। ब्राडी आरिथमिया माने कौन? जदि हार्ट रेटा 60 बीट्स पर मिनिट रु कम हो जाए, ताको आम कहूँ ब्राडी आरिथमिया, माने हार्ट रेटा बहुत कमीगला। तो यही क्षेत्र में कौन होना, यहाँ नॉर्मली आम स्लो मानते जो आम जन स्लीप डीप स्लीप था तार हार्ट रेट कमी था, कि बहुत कमी जाए 35 तौक पलू तरह लाइफ को डेंजर हो पाए, बा जनकर नॉर्मल अवस्था रे दिन बेले नॉर्मल काम कला अवस्था रे जदि कमी जाउछ त माने एटा निहाती ता प्रति लाइफ प्रति विपद। से समय रे आमे गोटे टेस्ट ताको कहिताउ, होल्टर टेस्ट करो। होल्टर टेस्ट माने 24 आवर रे ईसीजी रिदम आमे टेस्ट करू, सेटा आमे देखु जे एक्चुअली तार केते किछि लंबा समय पे हार्ट रही जाउनि त पॉज हो जाउनि त, कारण जदि हार्ट बीट ता मझे रहि छिबो ताले ब्रेन को आउ बॉडी रे अलगा अलगा ऑर्गन को ठीक समय ठीक भाव में ऑक्सीजन बा रक्त पहुँची पारे ना, एवं से भोकिला रही है। जब ब्रेन भोकिला रहा किसी सेकेंड पर से सांगे सांगे बेहोश हो जाए, मनीषटा बेहोश हो जाए, किसी समय केते क्षेत्र में लोक मैंने रास्त गाड़ी चलने भेतर बेहोश हो जाती, मेजर आक्सीडेंट घटी था। तेणु जो मर यही प्रोब्लेम अच्छी से देखुंत फ्रिक्वेन्टली हार्ट रेट कमी जाकर कौन सिम्टम्स देखा ना, बेले बेले मुंड बुले बेले बेले से अंधार देखा ब्लाकआउट्स होता आ बेले बेले से बेहोश हो जाती, एवं बहुत क्षेत्र में जो अति सांघातिक गला से मृत्युबरण घटिपे। तेनालीरिया किसी सिम्टम्स होने निजर ईसीजी करूँ एवं रेगुलर एटलिस्ट निजर पल्स देखते, आजिकल बहुत गुड़ा स्मार्ट वॉच बाहर जो 24 आवर हार्ट रेट मॉनिटरिंग करेंगे, डॉक्टर को देखिए आम 24 आवर होल्टर मॉनिटरिंग करें। तार ट्रीटमेंट हो कि मेडिसिन अच्छी जोटा हार्ट रेट बढ़े पार, जदि मेडिसिन द्वारा हो पारनी अल्टीमेटली आपको गोटे पेस मेकर जो कौन गोटे साधारण लेमन लांगुएज बैटेरी लगुच गोटे पेस मेकर लगे, जोटा कि आपंकर हार्ट को सुरक्षित रखे आप हार्ट रेट ठीक रहा। सेकेंड भेरिटी अफ आरिथमिया जोटा कि आम कौ टाकी आरिथमिया, टाकी आरिथमिया जस्ट अपोजिट, मैंने जब हार्ट रेटा रेस्टिंग समय 100 बीट्स पर मिनिट रु अधिक पड़ोस तक आम टाकी आरिथमिया कहूँ। जदि नॉर्मली हार्ट रेटा बढ़ी पारे 120-130 जाए जापे, जदि आम बहुत जोर खेला खेली करूँ इमोशनाली टेन्स अच्छे, किंतु जब नॉर्मल बस समय मतलब ये बढ़ी जाऊँ और फ्रिक्वेंटली बढ़ुचे, एवं यहाँ जब इरेगुलर होती कहते गोटे रेगुलर इंटरवल आशा करें, जब मझे मझे आप निजर पल्सटा को हार्ट बीटा को फिल करते आपको गोटे अनइजी लगुच्छे, तेल से आम कही था पाल्पिटेशन, मैंने यार सिम्टम्स कौन पेसेंट मन कौन देखा जाए पाल्पिटेशन, लगे हटात तक हार्टा बहुत पाउंड करुच्छे, बहुत हार्टा बहुत जोर बीट होबार लगे, एवं आदर मध्य बहुत जोर हार्टा बीट करे से समय मध्य बहुत कम ऑक्सीजन हार्टा इफेक्टिवली पंप कर पारे ब्रेन को, एवं मनुष्य मध्य बहुत समय अचेत हो जाए मुंड बुले पारे। तो यही जो सिम्टम्स देखा जाए आदर आपको ब्राडी आरिथमिया अच्छी टाकी आरिथमिया अच्छी, मैंने किसी गोटे आरिथमिया अच्छी, एवं यही क्षेत्र में आप यथाशीघ्र जन कार्डियोलॉजिस्ट को देखो ईसीजी टेस्ट होल्टर 24 आवर होल्टर, आजिकल 7 डेज होल्टर मिलूँ जहाँ आम ईएलआर कही था, इवन मसे पर्यटन भी आम बेले बेले देखो जो जना पड़े ठीक रे, ता छड़ा बेसिक टेस्ट इकोकार्डियोग्राफी अलग सब टेस्ट हो जाए करूँ। जदि किसी टाकी आरिथमियाज रोचे तेल आम प्रथम किसी मेडिसिन्स द्वारा ट्राए करूँ, जे से मेडिसिन्स द्वारा हार्ट रेट को कम करा जाए, एवं केते गोटे खाद्य आम जीवनशैली आमको टाकी आरिथमिया कराई था, जथा जमी आम जब एक्सेसिव जन चा पिओं कॉफी पिओं मादक द्रव्य सेवन करुं कि बहुत स्पाइसी फूड खाऊँ बहुत एंजाइटी रोचे इमोशनाली बहुत टेन्स रोचे सब क्षेत्र में हार्ट रेट अधिक रही है। तेणु यही सब जिनको आम अवॉइड करवा दरकार जो जन बहुत जगह टाकिकार्डिया हो तार जदि यू अवॉइड कलापर भी सीटा कंट्रोल आसुनी आम रोचे जोटा कि लाइफ प्रति विपद अच्छे, जब आम कि देखुचु कि स्पेसीफिक फिचर जो जो आरिथमिया अच्छे भिटी गोटे टाइप आरिथमिया अच्छी जोटा कि एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर एनी पेसेंट। तो से क्षेत्र में आम डिफरेन्ट ट्रीटमेंट स्ट्राटेजी रोचे, जदि किसी गोटे मेसीन अच्छे आईसीडी कही था
से মেশিনটা লগাইলে কোন হবে না যেতবেলে অধিক জোর তার হার্ট রেট বড়িব তাকে সে মেশিনটা গোটে ইলেকট্রিক শক দেব যদ্বারা কি তার জীবনটা বঞ্চিযিব তেমন এই সব জিনিস আমার পাখে আভেলেবল এবং আউ গোটে রয়েছে ইপিএস আরএফ স্টডি মানে কেউ জায়গার এক্সাক্টলি করেন্ট অফ স্পার্ক বাহার হচ্ছে সেটা কাহিঁকি টাকি কাড়িয়া হচ্ছে তাকে মধ্যে সেই জায়গাকে যাইকি আমি সেইটি কিছু গোটে এক্সট্রা রশ্মি দেখি বা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আবলেশন দেখি সে জায়গাটাকে আমি ঠিক করিপারছু সো ডিফরেন্ট মোডালিটিজ আর আভেলেবল নাও ফার্স্ট উইল ট্রাই উইথ আওয়ার লাইফস্টাইল মডিফিকেসন দেন উইথ মেডিকেসনস নর্মাল মেডিসিন যদি নহেলা তাহলে আমি কিছু আইদর অপরেসন হোক বা কিছু গোটে পেস মেকর হোক আইসিডি হোক আজিকালি সিআরটিডি বি বাহারি বহু প্রকার ডিভাইস আসলে যেটা কি আমি আরিথমিয়াসর বিপদর আমাকে রক্ষা করে পারিব সো দ্যাট আমার সডন কার্ডিয়াক ডেথ বা কিছু গোটে মেজর ড্যামেজ লাইফ ড্যামেজ হবনি।